बजे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं हमारी आज की खास खबर, देश में लॉकडाउन, सरकार कैसे करेगी काम। देश में कोरोना को लेकर स्थिति गंभीर होती जा रही है, इसी के मद्देनजर कल प्रधानमंत्री ने 21 दिनों तक देश में संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है। इसी के बाद कई लोगों के दिमाग में यह सवाल जरूर उठेगा कि बंद के दौरान सरकार काम कैसे करेगी, मगर जरा रुकिए, सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी कर रखी है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो सरकार ने अपने प्लान बी की भी पूरी रूपरेखा तैयार कर रखी है। इसके लिए सरकार द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है। इसमें कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकारी सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त संस्थानों को निवारक उपाय संबंधी जानकारी दी गई है। सूत्रों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करने से पहले इसकी कई स्तर पर जांच हुई है। प्रशासनिक संस्थानों से विचार विमर्श करने के बाद ही इस बंद का ऐलान किया गया है। इसमें कैबिनेट सचिवालय और कार्मिक मंत्रालय भी शामिल है। इस तरह कई स्तरों पर मार्च के शुरुआत से कोरोना से निपटने के लिए सभी मुद्दों पर चर्चा जारी है। सरकार के हर मंत्रालय द्वारा अपनी अपनी योजनाओं के बारे में मंत्रिमंडल सचिवालय को तलब किया जाएगा। अंतिम रोड मैप को स्वीकृत कराने के लिए एक हाई लेवल पर भेजे जाने से पहले कई बार जांच किया जाता है। इस समय सरकार कुछ भी छिपाकर काम नहीं करेगी, हालांकि पूरी जानकारी भी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा काम के घंटे बढ़ाए जा सकते हैं और स्टाफ में कमी संबंधी निर्णय भी लिया जा सकता है। प्लान बी के चलते सरकार ने सभी मंत्रालयों, प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सूचना विज्ञापन केंद्र सरकार की आईटी शाखा को 22 मार्च को नॉर्थ ब्लॉक से बाहर भेज दिया गया था। साथ ही इन विभागों के प्रमुखों और कर्मचारियों को एक रोस्टर तैयार करने के संबंधी निर्देश भी दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत हर विभाग में जरूरी सेवाएं प्रदान करना आवश्यक है। साथ ही इनके कर्मचारी और अधिकारियों की 23 मार्च से 31 मार्च के दौरान ऑफिस में अकेले मौजूद रहने संबंधी आदेश भी दिए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में कहर बरपा रहा है। बड़े बड़े देशों ने इसके आगे अपने घुटने तक टेक दिए हैं, मगर हमारी सरकार अभी भी डटी हुई है। भारत सरकार के फैसले को डब्ल्यूएचओ तक तारीफ कर रहा है, और ऐसे में देश के हित को ध्यान में रखकर किए गए हर फैसले की हमें सराहना करनी चाहिए। इसके लिए सरकार द्वारा लागू हर नियम का पालन अपने और देश के लिए करना ही चाहिए। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।